हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आजकल किचन क्लीनिंग करना स्टार्ट किया है। किचन काउंटर टॉप, चिमनी और ऐसे एरियाज जो रेगुलरली यूज़ होते हैं उन्हें तो हम क्लीन करते ही रहते हैं, पर ऐसे एरियाज होते हैं किचन में जिन्हें रेगुलर क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें पूरी प्लानिंग की ज़रूरत होती है और अच्छे खासे टाइम की ज़रूरत होती है कि हम उसे पूरी तरह से निकालें और अच्छे से डीप क्लीन कर सामान वापस रखें। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है रेगुलर डेज में। तो इसका सॉल्यूशन आई हैव, मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट रोज़ लेकर उसे क्लीन कर लेती हूँ। मैं एक रेगुलर डीप क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ जिसके हिसाब से मैं अपने घर का सबसे ज़्यादा डर्टी एरिया जिसे मैनेजमेंट की ज़रूरत है वो लेती हूँ और आधा पौना घंटा उस पर काम करती हूँ, उसे क्लीन करती हूँ, और जहाँ आधा पौना घंटा ख़त्म हुआ नहीं वहाँ उसे छोड़ देती हूँ। मतलब प्लान ही इस तरीके से करती हूँ कि उतना ही पोर्शन लूँ जितना मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो नीचे के साइड पे मेरी किचन में कुछ ड्रॉर्स और कैबिनेट्स बने हुए हैं जिसे कि क्लीन करना थोड़ा टफ होता है, तो रेगुलरली मैं एक कैबिनेट ले लेती हूँ और उससे क्लीन करती हूँ, प्रॉपर पानी डाल के वॉश करती हूँ, स्क्रब करती हूँ, और सिर्फ उतना सा एरिया जितना कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और ये काम मैं शुरू करती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद और मेड के आने से पहले। तो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत जो मेरी क्लीनिंग बाकी बची होती है वो मेड की हेल्प से क्लीन हो जाती है। और ये काम मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद करना पसंद करती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत लो होती है। ब्रेकफास्ट करने से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और ब्रेकफास्ट भी हेल्दी करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इन कैबिनेट्स पे जो सनमाइका लगी हुई है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़रा सा भी इस पे सर्फ का हाथ लगा नहीं और ये डिसकलर्ड हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, मैं उसी से इसको क्लीन करती हूँ और बहुत अच्छे से क्लीन हो भी जाता है। और जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है उसमें मैंने ऐड किया है वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल की वजह से ये बिल्कुल पॉलिश्ड लगते हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रेस आ जाती है। अब आप सोचिए कि आप काफ़ी दिनों तक किसी पोर्शन को क्लीन करने की सोच रहे हैं और वो काम आपको बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम टेकन भी होगा और बहुत टायरिंग भी। तो उस पार्ट को करने के लिए आप सोचते ही रहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पाते कि किस दिन उसे निकाला जाए और क्लीन करा जाए। इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं पर हम थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। एक दिन शाम को चाइनीज़ खाने का मन हुआ, हेल्दी खाने की आजकल सोची हुई है कि हेल्दी ही फूड खाऊं, तो मैंने फ्राइड राइस बनाने की बजाय फ्राइड पोहा बनाया। देखिए कैसे। कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें डालिए कटे हुए अनियंस, सॉटे कीजिए, गार्लिक ऐड कीजिए एंड देन कैरेट एंड बीन्स ऐड कीजिए, थोड़ा सॉटे कीजिए और अब इसमें ऐड कीजिए शेजवान चटनी एक स्पून के करीब प्रॉपर चाइनीज़ फ्लेवर लाने के लिए। और इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा अजीनोमोटो और आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता इसलिए मैंने ये सोचकर इसे ऐड कर दिया। देन सॉटे, अब इसमें थोड़ा सा मैंने डाला सोया सॉस एक या दो चम्मच के करीब, सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे, लिटिल बिट ऑफ विनेगर इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा चला लीजिए। अब जो हमने पोहा धोकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर से चला लेंगे। माइंड ब्लोइंग बना था। अगर आपको घर में बैठे हुए चाइनीज़ खाने की इच्छा हो रही है और झटपट कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला पोहा ट्राई कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, हेल्दी फूड येट टेस्टी, और इसके बाद काम करने का भी खूब मज़ा आता है। थोड़ा सा इस एरिया को ऑर्गेनाइज करने था तो मैंने बास्केट का यूज़ किया। एक्चुअली इस वाले ड्रॉर में जो भी कटलरी मैं रखती हूँ तो वो इसकी ग्रिड्स के अंदर से पास हो जाती है और कहीं ना कहीं फंस जाती है, इसीलिए मैंने सोचा इन स्पून्स वगैरह को सबको मैं इन बास्केट्स में अरेंज करूँ सो दैट वो कहीं अटके नहीं और सब चीज़ें आराम से सेटल हो जाएं।
इसमें पीछे की साइड थोड़ी सी जगह बची थी जहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल कंटेनर फिट कर दिया। इसमें बच्चों की टिफ़िन बॉक्स में से निकली हुई काफ़ी प्लास्टिक स्पून्स होती हैं, छोटे छोटे फॉक्स होते हैं, बड़े फॉक होते हैं, नाइव्स होते हैं, वो सब मैंने सेट करके रख दिए। ये अलग से पड़े रहेंगे, कभी कभी यूज़ होते हैं, तो इतनी परेशानी भी नहीं होगी, क्लटर भी नहीं करेंगे, बस कॉर्नर में फिट रहेंगे। जस्ट ये कंटेनर पीछे ऐड करने की वजह से ड्रॉर मेरा काफ़ी डिक्लटर्ड लग रहा था, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें अकोमोडेट हो गई थी जो एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं, जो सिर्फ क्लटर करती हैं। अब मेन ड्रॉर में सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रेगुलर कुकिंग में यूज़ होती हैं, तो अब ये ड्रॉर काफ़ी क्लीन रखा था। और देखो, इसमें बहुत सारे और स्पून्स और सूप स्पून्स भी अकोमोडेट हो गए हैं, तो ड्रॉर मेरा अच्छे से सेट हो गया है। तो गाइस, सोचो नहीं, बस कर डालो। थोड़ा करो एक दिन में, लेकिन कर डालो। एक्चुअली ये बहुत बड़ा झूठ है कि अगर हम कहें हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम हम सबके पास इक्वल होता है, कोई उसे मैनेज कर पाता है और कोई नहीं मैनेज कर पाता। मुझे भी काफ़ी सारे काम रहते हैं, घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, और इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहती है वो है मेरा स्टोर। इसको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, लेकिन तब भी कितने भी आप बिजी हों, कभी आप अपने मुंह से ये मत निकालो कि मेरे पास टाइम नहीं है। बोलो मेरे पास बहुत टाइम है। और कोई सुने ना सुने, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। सो बीवेयर ऑफ योर वर्ड्स। टाइम निकालना पड़ता है, कभी निकलता नहीं है। रेगुलरली अपना डे प्लान करो, स्लॉट्स बनाओ, आपको कब से कब तक क्या काम करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलो, ताकि बीच में अगर कोई ऐसे काम भी आ जाए जिनको आपने प्लान ही नहीं किया था और वो बस आ गए। क्योंकि हम एक फैमिली में रहते हैं, सिर्फ हमें अपने काम नहीं होते, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो उनके लिए भी आपके पास टाइम हो। आज रेडी हुई हूँ अच्छी सी टॉप पहन के, और हस्बैंड आज घर पे नहीं है, बच्चे भी घर पे नहीं हैं, तो आज का टाइम भी यूटिलाइज करना है मुझे। लेकिन आज सबसे पहले मैंने अपने आप को रेडी किया अच्छा सा फील कराने के लिए, और देखो गॉड भी मेरे साथ थे। बहुत अच्छा सा मौसम हो गया, बाहर बारिश आ रही है। चलो मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ। अच्छा मौसम हो गया है, आज काम करने में मज़ा आएगा। आज मुझे अपनी वार्डरोब को क्लीन करना है। कोई भी आज घर पे नहीं है, तो मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा ज़्यादा टाइम है कि मैं अपनी वार्डरोब को फिर से अच्छे से सेट कर लूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी अपनी वार्डरोब की सेटिंग चेंज करने की, पर टाइम नहीं लग पा रहा था। बट कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मुझे इस वार्डरोब को क्लीन करना था, मेरे मन में था, तो आज मुझे वो टाइम मिल ही गया। आज टाइम ही टाइम है, मेरे पास पूरा दिन है, मैं इसे फिर से सेट कर सकती हूँ। एक्चुअली आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से कई बार बोर हो जाते हैं, तो मैं अपनी वार्डरोब की सेटिंग से बोर हो गई थी, तो मैंने चीज़ों को एज इट इज़ रखना शुरू कर दिया, ढंग से नहीं रखा, क्योंकि मुझे था कि एक दिन मुझे इसे क्लीन करना ही है। तो बहुत टाइम से मुझे बहुत सारे कपड़े दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, वो पीछे कहीं गायब हैं, गुम हैं, तो जो सामने आता है मैं रेगुलरली वही अपने स्टोर पर पहन जाती हूँ, तो कपड़े ऑफनली रिपीट हो रहे हैं, जबकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेडीज़, आपके हर कपड़ों को यूज़ होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने कपड़े हमारे पास हैं वो सब के सब यूटिलाइज होने चाहिए।
मेरी वार्डरोब में कपड़े ऑलमोस्ट सब फोल्ड थे, तो टाइम बचाने के लिए मैंने इन्हें रफली बाहर नहीं निकाला, बहुत ही केयरफुली बाहर निकाला, ताकि जो कपड़ों की तय प्रॉपर लगी हुई है वो एज इट इज़ बनी रहे, मुझे ज़्यादा फोल्डिंग्स ना करनी पड़े। जो थोड़े बहुत हिले हुए थे वो बहुत ज़्यादा भी नहीं हिले हुए थे, ढंग से उन्हें रखा और पाइल्स बना ली कपड़ों की। बेटा गया है नानी के घर में, क्योंकि ऑफ है आज उसका सेकेंड सैटरडे का, तो मेरे पास 2-3 घंटे तो हैं ही, क्योंकि शाम को मुझे अपनी वीडियो को अपलोड करना है। आज मुझे स्टोर पर भी नहीं जाना, क्योंकि हस्बैंड वगैरह आज कोई भी घर पे नहीं है, तो घर अकेला नहीं छोड़ सकते। इसीलिए कल मेरे पास स्टोर पर एक लेडी आई, उसने मुझे बोला कि टाइम कहाँ होता है, बस सामान लिया और बस अलमारी में ऐसे ही रख दिया, एक के ऊपर एक चीज़ें पड़ी रहती हैं, ऑर्गेनाइज करने का टाइम किसके पास है। वो इतनी सिंपल, इतनी प्यारी एलिगेंट लेडी है, पर मुझे उसके मुंह से ये सुनना कि टाइम किसके पास है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। टाइम हम सबके पास होता है, हमें मैनेज करना पड़ता है। वही टाइम है आप गपशप करने में या वीडियोस देखने में उड़ा दीजिए, या फिर उसे यूटिलाइज कर लीजिए। हमें अपने आप से पॉजिटिव बातें करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ऊपर वाली शेल्फ को देखा तो मुझे लगा ये ठीक है, ऑलरेडी टैकल्ड है, तो इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं थोड़े से टाइम में जो मुझे मिला है उसी में ही सब सेटल करना चाहती थी, तो मैंने ऊपर वाली शेल्फ को छेड़ा ही नहीं। तो जो रेगुलर यूज़ होने वाली मेरी 3 शेल्फ्स थी और एक ड्रॉअर था, बस मैंने उसे ही सेट किया। तो वक्त के हिसाब से अपना एक पोर्शन को सिलेक्ट कीजिए, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए, क्लीन कीजिए, अपने लिए अच्छा खाना बनाई है, इसी चीज़ में ट्रू एलिगेंस है एक लेडी की। अगर आपकी वार्डरोब में ऐसी कोई चीज़ है जिसे पहनकर आपको अच्छा फील नहीं होता या कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, तो उसे यही टाइम है डिस्कार्ड कर दीजिए। तो वार्डरोब की शेल्फ्स तो मेरी सेट हो गई है, अब मेरा ड्रॉअर सेट करने का टाइम है। बॉटम्स रखने हैं मुझे ड्रॉअर में, जिसके लिए मैंने एक्चुअली उसे बनवाया था, तो ये अब छोटे छोटे पार्सल्स बना रही हूँ मैं अपने बॉटम्स के, कुछ इस तरीके से फोल्ड करके सभी बॉटम्स को इकट्ठा करके रख लूँगी, ताकि एक साथ सभी को ऑर्गेनाइज कर दूँ, अच्छे से सेट कर दूँ। तो काफ़ी सारे मैंने बॉटम्स को पार्सल्स बनाकर रख दिया है, काफ़ी टाइम लग गया इसमें, अभी भी काफ़ी रहते हैं, वो भी करके फिर एक ही साथ ड्रॉअर सेट करूँगी। विंटर्स के बाद अब ड्रॉअर क्लीन होने जा रहा है, कॉर्नर वाला घर है हमारा, काफ़ी सारी डस्ट आती है, तो अच्छे से इसको एक बार वाइप कर लेती हूँ, सारी डस्ट हटा लेती हूँ। ये रैपिंग पेपर मैंने बिछाए हैं, और बिछाए हुए भी 3 ईयर्स हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से मुझे सर्व हुए, क्लीन भी कर देती हूँ गीले कपड़े से इनको, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, वापस से सेट हो जाते हैं बेचारे। टाइम आ गया बॉटम्स को ड्रॉअर में लगाने का, सबको एक ही ड्रॉअर में मैंने सेग्रीगेट किया है, लेगिंग्स एक तरफ, जेगिंग्स एक तरफ, जीन्स एक तरफ, लोअर्स एक तरफ, और सभी जिम वेयर्स को इकट्ठा रख दिया है। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पे, तो मैंने इन्हें रोल करके अपनी शेल्फ्स पर रखा था, बट मैं इस ड्रॉअर की सेटिंग को काफ़ी मिस कर रही थी, इस ड्रॉअर को मैंने बनवाया ही इसीलिए था, ताकि इसमें बॉटम्स अकोमोडेट कर पाऊँ फाइल सिस्टम में अरेंज करके, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। और आगे अब मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस वाली सेटिंग को फिर से चेंज करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट सर्व होती है। शेल्फ्स के मुकाबले में ड्रॉअर्स हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, अगर हम इसमें या तो बॉटम्स अरेंज करें या फिर टी शर्ट्स। टॉप वगैरह के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हैंगर्स होने चाहिए, पर अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप शेल्फ्स यूज़ कर सकते हो। इस ड्रॉअर बॉक्स में मेरी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, जैसे टूटे हुए बटन, धागे और मेडिसिंस, और भी बहुत सारा सामान है, लेडी के पास तो बहुत सामान होता है यार संभालने के लिए। So look at the complete outlook of my wardrobe.
आफ्टर सेटअप। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से सब अकोमोडेट हो गया। ऐसे भरा भरा लग रहा था मेरा वार्डरोब, वो बिल्कुल खाली हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर मैंने रखी है रेगुलर यूज़ होने वाली जो मैं स्टोर पे पहन जाती हूँ टॉप, और पीछे की साइड मैंने शू बॉक्स भी रखे हुए हैं, उसमें शूज़ भी हैं। तो मेरे पास अलग से ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो मैं यहीं पर ही रख देती हूँ बॉक्स में पैक करके। नीचे की साइड पर यहाँ पर मेरी रेगुलर यूज़ होने वाले घर पे पहनने वाले कपड़े हैं, जिनको मैं दिन में दो या तीन तीन बार भी चेंज करके पहन लेती हूँ। राइट साइड में सारे ऑल्ट्रेशन वाले कपड़े अलग से रख दिए हैं, जो न्यू हैं बट ऑल्टर्ड नहीं हैं। इसके नीचे राइट साइड पे एक बास्केट रखी है जिस पे रेगुलर यूज़ होने वाले टॉल्स पड़े होते हैं, हैंड टॉल्स जो कई जगह पर यूज़ हो जाते हैं। अभी वॉश करने के लिए गए हैं, आएंगे तो वापस लगा दूँगी, एक दो इसमें अभी पड़े हुए हैं। और ये सेंटर में मेरी सब स्टॉल्स मैंने रखी है। ये एक बास्केट है जहाँ पे मैंने सब रेगुलर यूज़ होने वाले कैरी बैग्स रखे हैं, बस इसमें से निकाल लेती हूँ, इजीली मिल जाते हैं। और ये मेरा प्यारा सा ड्रॉअर आज बहुत टाइम के बाद फिर से सेटअप हो गया है, जिसमें सब बॉटम्स अकोमोडेट हैं और पूरे भरे हुए हैं। अगर कुछ और चाहिए होगा ना तो पहले मुझे इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।